नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नेचुरा A1 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर HS मीना। आज मैं आपको चमड़ी पे होने वाला दाग, रिंग वॉर्म की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सा आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आपको आयुर्वेदिक दवाओं से लेप बना के लगाना है, किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है और कौन सी आयुर्वेदिक दवा आपको लेनी है। यह प्रॉब्लम आप जब दवा लोगे तो ये ठीक तो हो जाएगी आपकी, लेकिन ठीक होने के बाद में जो लेने वाली दवा है वो आपको रेगुलर 2 से 3 महीने लेनी है, जिससे आपके बॉडी में होने वाला इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, ज़्यादातर पेशेंट जब दवा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही दवा बंद करते हैं तो वापस ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे अच्छा है मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से दवा लोगे तो आपको बार बार में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली जो मेडिसिन है वो आपको जो लेनी है वो लेनी है REPL कंपनी की 88 नंबर की मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये देखिए, ये होम्योपैथिक दवा है। इसको लेने का जो तरीका है, आप क्या करना, आधा कप पानी लेना, आधा कप पानी के अंदर 15 बूंदें टपकाना और पी लेना। सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम ये दवा लेनी है, खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी आप ले सकते हो। इस तरीके से ये दवा आपको लेनी है। इसके बाद में इस दवा को आपको लगाना भी है। लगाने का जो तरीका है, जैसे आप रुई लेना, कॉटन लेना, उसके ऊपर आप बूंदे टपका लेना और जहाँ दाद है वहाँ पर इसको लगा लेना, या थोड़े से पानी के अंदर ये टपका के उसमें फिर वो आप कॉटन लगा के आप लगा लेना। इस तरीके से आप लगा सकते हो इसको। इस तरीके से आपको ये दवा लगानी है और आपको पीनी भी है। पीनी आपको 3 टाइम है, लगानी है आपको 1 टाइम है। जहाँ पे आपके दाद हो रहे हैं वहाँ पे इसको लगाना है। दिन में एक बार आप जब भी आपको समय मिले आप इसको लगा सकते हो। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, याद रखना। उसके बाद में आपको दूसरी जो दवा है वो है दादोरिन। ये वैद्यनाथ कंपनी की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक दवा है ये। इसको जो लगाने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये दवा आएगी। इसको आपको लगाना कैसे, जहाँ पे आपके दाद हो रहा है वहाँ पे आप कॉटन पे इसको टपका लेना और वहाँ पे इसको लगा लेना, या डायरेक्ट भी आप जहाँ पे आपके दाद है वहाँ पे भी आप टपका के लगा सकते हो उसको। इस तरीके से आपको दादोरिन को लगाना है। ये आयुर्वेदिक दवा है, वैद्यनाथ कंपनी की है। उसके बाद में आपको जो दवा लेनी है वो लेनी है कैलाश जीवन। ये देखिए, आयुर्वेद संशोधनालय की ये दवा है कैलाश जीवन। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये खाने और लगाने के दोनों में काम में आती है, लेकिन मैं आपको जो आज तरीका बता रहा हूँ वो सिर्फ लगाने का ही तरीका बताऊँगा। इसको लगाना कैसे, वैसे आप इस दवा को डायरेक्ट भी आप दाँत पर लगा सकते हो, इस दवा का लगाने का तरीका, लेकिन मैं इसके अंदर आपको शास्त्रोक्त दवाइयाँ मिला के और फिर लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और वो कैसे लगानी है वो सारा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, स्पेटिका भस्म लेनी है। स्पेटिका भस्म आपको लेनी है 15 ग्राम। ये आयुर्वेद की शास्त्रोक्त दवाइयाँ हैं, काफ़ी कंपनियाँ बनाती है आयुर्वेद की। आप नाम लिख लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगी। ये आपको 15 ग्राम के आसपास में लेनी है। 15 ग्राम आप ले लेना, 15 ग्राम स्पेटिका भस्म ले लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, रस माणिक्य लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा रस माणिक्य। रस माणिक्य क्या करना, आप 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम आपको इस पेटिका भस्म के अंदर मिला देना है। उसके बाद में आपको लेना है गंधक रसायन। गंधक रसायन आपको लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम की मात्रा लेना। अब इनको आपस में मिला देना, स्पेटिका भस्म को, रस माणिक्य को और गंधक रसायन को, तीनों को आप अच्छी तरह से मिला लेना। इस पाउडर को आप रखना है। उसके बाद में क्या करना है, ये कैलाश जीवन है, थोड़ी सी कैलाश जीवन की क्रीम लेना। उसके अंदर थोड़ी सी आपको ये जो मैंने योग बताया है, इस योग को थोड़ी सी मात्रा में मिला लेना। जहाँ जहाँ पर आप दाग हो उसके हिसाब से अंदाजे से आप मिला लेना। उसको मिलाने के बाद में जहाँ पर आपके दाद हो वहाँ पर आपको रात को लगाना है, तो ये आपकी जो चमड़ी है उसका सेम कलर कर देगा और उस दांत के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा पूरी तरीके से। इस तरीके से आप इसको लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिले या नहीं मिले, लेकिन आप इस योग को मिला के लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा इससे फ़ायदा होगा। इस तरीके से आपको ये लगाना है। दूसरा क्या करना है आपको, ये मैंने आपको बताई थी लगाने के लिए, और इसको पीना भी है, और इस दवा को आपको लगाना है, और आपको जो मैंने बताई है दादोरिन वो भी आपको लगानी है।
आपको एक बार सुबह आप जो भी लगा सको वो लगा लेना, फिर दोपहर में लगा लेना, रात को कैलाश जीवन के अंदर जो मिला के वो लगाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट बाद में आपको खदीरा रिस्ट, ये आयुर्वेदिक दवा है, ये आपको लेनी है। आधा कप पानी के अंदर 4 ढक्कन डालना है और पीना है, ये भी आपको रेगुलर लेनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो दाद है वो आपका इस दवा से ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आपको पहले तो 10-15 दिन तक वो दाद वाले हिस्से पे आपको लगाना है, ख़त्म होने के बाद भी 10-15 दिन तक आपको लगाते रहना है, तो ये दोबारा नहीं होगा। दूसरा जो पीने वाली मेडिसिन है वो आपको 2 से 3 महीने तक रेगुलर रखनी है, जैसे रिंगवर वाली मेडिसिन है 88 नंबर की, REPL कंपनी की, ये आपको चालू रखनी है, ये बंद नहीं करनी है। और खदीरा रिस्ट ये आपको चालू रखनी है, ये दोनों मेडिसिन आपको 2 से 3 महीने रेगुलर लेनी है। इससे क्या होएगा, आपको ये बार बार में जो दाद वाली जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन जो होता है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आपको बार बार में ये समस्या नहीं होगी। आप लेके देखिए दवा, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस दवा का। दूसरा किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे आपने जो सब्सक्राइब का बटन देखा है रेड कलर का उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन का बटन आएगा उस पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बना के डालूंगा उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा और आप देख लोगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया आयुर्वेद की शास्त्रोक्त दवाइयों से कैसे योग तैयार करा जाता है। आप यूट्यूब पर अगर आप सर्च भी करोगे तो कोई आपको इस तरीके से बताएगा नहीं कि आयुर्वेद की दवाइयों से कैसे योग तैयार करा जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से योग तैयार करा जाता है, तो मैं आपको वो डिटेल से बताता हूँ, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, कौन सी आयुर्वेद की पैटर्न मेडिसिन लेनी है, और कौन सी आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त दवाइयों से योग तैयार होता है, किस तरीके से योग तैयार करा जाता है, वो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।